नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर हार्डवेयर के इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा फ्रंट पैनल का कनेक्शन किस तरीके से किया जाता है, क्योंकि कुछ लोगों को ये कनेक्शन समझ में नहीं आता है। तो इस वीडियो में मैं 6 टाइप्स के फ्रंट पैनल का एग्जांपल लेकर आया हूं, उसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। अभी जो फ्रंट पैनल का कनेक्शन आप लोग दिख रहे हैं, इसमें देखिए पावर स्विच लिखा हुआ है सॉकेट के ऊपर। इसी तरीके से हर एक वायर में, हर एक सॉकेट में लिखा हुआ है कि कौन सा पावर एलईडी का है, कौन सा रीसेट स्विच, कौन सा पावर स्विच और कौन सा हार्ड डिस्क एलईडी। चलिए अब फोटो स्लाइड में इसका कनेक्शन देख लेते हैं। अभी जो मदरबोर्ड का फ्रंट पैनल आप लोग देख रहे हैं, इसमें देखिए मार्किंग किया हुआ है, मैंने यहाँ पे मार्किंग कर दिया है रेड कलर से। जो पावर स्विच लिखा हुआ है, ये दो पिन है पावर स्विच का, ये वाला और ये वाला पिन है पावर स्विच का। इसका कोई पॉजिटिव या नेगेटिव पोलरिटी नहीं होता है। और पावर स्विच के ठीक पीछे ये दो पिन स्काई कलर से मार्किंग किया हुआ है, देखिए ये रीसेट स्विच का पिन है, इसका भी कोई पोलैरिटी नहीं होता है, खाली इसमें सॉकेट जोड़ देना है। और पावर स्विच के ठीक साइड में ग्रीन कलर से मार्किंग किया हुआ है पावर एलईडी, यहाँ पे लिखा हुआ है इसका पोलैरिटी है। इसका एकदम साइड का जो पिन है ये पॉजिटिव का पिन है, एकदम साइड वाला, और उसके बाद जो पिन है ये नेगेटिव का पिन है, ये वाला पॉजिटिव और ये वाला है नेगेटिव का पिन। और उसके ठीक पीछे हार्ड डिस्क एलईडी, मतलब हार्ड डिस्क से जब भी कोई डेटा रीड या राइट होता है उस टाइम में ये एलईडी ब्लिंक करता है, रेड कलर का होता है ये एलईडी जनरली। तो इसका भी पॉजिटिव होता है ये साइड वाला और नेगेटिव होता है ये इस साइड वाला, मतलब सेकंड वाला। तो पावर एलईडी जो है ये कंटिन्यूस ग्लो करता है, और हार्ड डिस्क एलईडी ये डेटा जब यहाँ से रीड या राइट होता है तब भी ये ग्लो करता है। चलिए अभी नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। अभी ये वाला जो मदरबोर्ड है, इस पिक्चर में देखिए फ्रंट पैनल का जो पिन कनेक्शन है, मतलब इसमें बहुत सारा पिन्स है, तो ये बहुत सारा पिन्स देख के कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने मार्किंग कर दिया है पावर स्विच का रेड कलर से, ये दो पावर स्विच है, ये वाला और ये वाला पावर स्विच का कनेक्शन। और पावर स्विच के ठीक पीछे होता है रीसेट स्विच, तो ये दो रीसेट स्विच है स्काई कलर का, स्काई कलर से मार्किंग किया हुआ, और इसमें लिखा भी हुआ है देखिए पावर स्विच, उसके बाद है रीसेट स्विच, मदरबोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है प्रिंट करके लिखा हुआ है। और पावर स्विच के ठीक साइड में है पावर एलईडी, पावर एलईडी के एकदम साइड वाला जो पिन है वो पॉजिटिव वाला पिन है ये वाला, और उसके ठीक पीछे हार्ड डिस्क एलईडी एचडी लिखा हुआ है, तो उसका भी साइड का पिन पॉजिटिव का है। मतलब ये वाला जो पैटर्न है, मतलब एक पिन यहाँ पे देखिए गायब है, ठीक इसी पैटर्न का सभी जगह पैनल इसी पैटर्न का ही होता है, लेकिन किसी किसी मदरबोर्ड में लिखा हुआ नहीं रहता है, तो आपको खुद से समझना होगा कि कौन सा पिन कौन से कनेक्टर से कनेक्ट होगा। और इस मदरबोर्ड में देखिए, इस फ्रंट पैनल में पावर एलईडी का एक्स्ट्रा पिन्स दिया हुआ है, यहाँ पे अल्टरनेटिव पावर एलईडी मैंने यहाँ पे मार्किंग कर दिया है। तो ये जो पिन्स है यहाँ पे, ये पिन्स है अल्टरनेटिव पावर एलईडी का, मतलब ये वाला पिन और ये वाला पिन भी पावर एलईडी के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और मदरबोर्ड का जो एक स्पीकर होता है, रैम अगर मदरबोर्ड में प्रेजेंट ना हो तो बीप साउंड करता है, और कोई भी एरर मैसेज देना हो तो मदरबोर्ड बीप साउंड करता है। तो अगर मदरबोर्ड में स्पीकर प्रेजेंट नहीं है या अवेलेबल नहीं है, तो एक्सटर्नल स्पीकर लगाने के लिए ये पिन दिया हुआ है, ये चारों पिन यहाँ पे दिया हुआ है, और चारों पिन का कनेक्शन भी यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए पॉजिटिव साइड वाला, इस साइड वाला और इस साइड वाला है नेगेटिव। तो ये स्पीकर लगाने की जगह है। अभी दूसरा पिक्चर देख लेते हैं। ये 3 नंबर मदरबोर्ड का फ्रंट पैनल में दिखा रहा हूँ, इसमें देखिए पिन का जो पोजीशन है वो चेंज हुआ है, मतलब इसका जो पिन डायग्राम है ये पूरा ही दूसरे मदरबोर्ड से अलग है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ये है पावर स्विच का और ये है रीसेट स्विच, मतलब ये आगे वाला जो दो पिन है जिसके नीचे ब्लैक कलर लगा हुआ है, मतलब ब्लैक कलर से मार्किंग किया हुआ है, ये पावर स्विच का पिन है। और पीछे रेड कलर का जो दो पिन है, मतलब रेड कलर से लगा हुआ, ये है रीसेट स्विच। और हार्ड ड्राइव एलईडी, मतलब ये ऑरेंज कलर का, ये पॉजिटिव है इस साइड, ये दो हार्ड ड्राइव एलईडी और आगे का दो है पावर एलईडी, तो ये वाला पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव है।
पिन असेंबली जो है ये पूरा ही दूसरे मदरबोर्ड से अलग है। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए पावर स्विच का जो ब्लैक कलर यहाँ पे है, ठीक उसी तरीके से एकदम साइड वाला जो दो पिन है ये भी ब्लैक कलर से मार्किंग किया हुआ, मतलब ये ऑल्टरनेटिव पावर स्विच का पिन है। ये दो पिन मतलब यहाँ पे पावर स्विच का दो सेट दिया हुआ है, मतलब ये वाला पिन पावर स्विच का है और ये वाला पिन है पावर स्विच का, मतलब ऑल्टरनेटिव पावर स्विच का कनेक्शन मतलब पिन हेडर यहाँ पे दिया हुआ है। और स्पीकर पीछे का है, ये वाला ग्रीन कलर जो है, ग्रीन कलर के ऊपर जो पिन चारों पिन है ये स्पीकर का है, और साइड वाला जो पॉजिटिव है ये और इस साइड वाला नेगेटिव है। और येलो कलर में ये वाला जो पिन है मदरबोर्ड पावर एलईडी का, ये वाला भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव और ये वाला है नेगेटिव। ये चौथा मदरबोर्ड है और ये वाला मदरबोर्ड सेम टू सेम पहली मदरबोर्ड की तरह है। ये दो पिन है पावर स्विच का, ये है रिसेट स्विच का, और येलो कलर में ये है हार्ड ड्राइव एलईडी का, और ग्रीन कलर में ये है पावर एलईडी का। इस साइड में पॉजिटिव और इस साइड में नेगेटिव, यहाँ पे भी इस साइड में पॉजिटिव और इस साइड में नेगेटिव, मतलब रेड कलर में है पावर स्विच, ब्लू कलर में है रिसेट स्विच, इसमें ये है येलो कलर में है हार्ड ड्राइव एलईडी और ग्रीन कलर में है पावर एलईडी। अब ये आ गया पाँच नंबर मदरबोर्ड। इसमें देखिए फ्रंट पैनल का जो पैटर्न है वो सेम ही है, खाली इसमें कलर नहीं है, फ्रंट पैनल में कोई कलर इसमें दिया हुआ नहीं है। तो यहीं पे सेम कनेक्शन, यहाँ पे भी सेम कनेक्शन होगा। ये दो पिन है पावर स्विच का, उसके पीछे ये टेढ़ा हो गया है जो पिन, दो पिन रिसेट स्विच का, रिसेट स्विच के साइड में हार्ड ड्राइव एलईडी का, और ये दो है पावर एलईडी। अभी लास्ट वाला जो मदरबोर्ड ये मैं दिखाने वाला हूँ फ्रंट पैनल का, इसका मदरबोर्ड के ऊपर जो डायग्राम दिया हुआ है ये पहले देख लीजिए, क्योंकि ये मदरबोर्ड का नॉर्मल जो फ्रंट पैनल का पैटर्न होता है उससे अलग है, तो इसलिए यहाँ पे डायग्राम देख लीजिए। बीच में है इसका पावर स्विच, उसके बाद राइट साइड में रिसेट स्विच, ऊपर पावर एलईडी, एलईडी का तीन कनेक्शन वहाँ पे, और लेफ्ट साइड में है हार्ड ड्राइव एलईडी और उसके ऊपर है स्पीकर। ये दो पिन है पावर स्विच, तीनों पिन है पावर एलईडी, ये वाला पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव पावर एलईडी का, पावर स्विच पावर एलईडी हो गया। ये दो पिन है रिसेट स्विच हार्ड ड्राइव एलईडी का, तीनों पिन है स्पीकर का, ये वाला पॉजिटिव और ये वाला है नेगेटिव, मतलब लेफ्ट साइड में जितना भी पिन है, हार्ड ड्राइव एलईडी का ये वाला पॉजिटिव है, स्पीकर का ये वाला पॉजिटिव है, पावर एलईडी का ये वाला पॉजिटिव है, मतलब सारा लेफ्ट साइड में पॉजिटिव और राइट साइड में है नेगेटिव्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।